दर्शक, मैं दूर कहीं पीछे किसी आधी टूटी कुर्सी के सिरहाने अपनी गर्दन टिकाए, माथे की शिकन और होठों की मुस्कान वाले आंसुओं के फलसफे दबाए जाता हूं। कुर्सी के एक किनारे किसी का दाहिना कंधा है तो दूजे किनारे किसी का बाया। माथे की शिकन की एक वजह शायद यही है कि ये दोनों कंधे हमेशा ही पराए नजर आते हैं। फूलों को जिस तरह पत्ता, पत्ते को जिस तरह टहनी, टहनी को जिस तरह जड़, जड़ को जिस तरह मिट्टी, मिट्टी को जिस तरह पानी, ठीक उसी तरह ये कहां पेड़ नजर आते हैं। जैसे जैसे आंखों के सामने पर्दा उठता है, धीरे धीरे इर्द गिर्द के सारे जुगनू उड़ जाते हैं। मंजर ऐसा छाता है जैसे शाम को दो पहाड़ों की सतह छूते ही सूरज रुक सा गया हो। होठों पर मुस्कान की एक वजह शायद यही है कि दिन रात जीने की इस जद्दोजहद में एक पल ऐसा तो मिला जहां वक्त थम सा गया हो। सुर, ताल, राग, लय, जुम्बिश, शेर, कव्वाली, गीत, गजल, बंदिश, नौटंकी, तमाशा, सर्कस, थिएटर, सिनेमा, कहां तफसील मुझे इन अल्फाजों की। मैं तो बस वो लम्हा ढूंढता हूं जो हर लम्हा भुला दे। न शिकन हो न मुस्कान, बस आंसू हो। पहली बार बारिश में भीगे उसी पेड़ के जो आजकल नजर ही नहीं आता।